गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के क्लास में वर्ब का एक चैप्टर जिसका टाइटल टेंस है, जिसे हिंदी में काल कहते हैं, आपके बीच रखने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि टेंस जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अगर आपको टेंस आ गया तो आप आसानी पूर्वक किसी भी तरीके के स्ट्रक्चर को, किसी भी तरीके के स्टोरी को फ्रेम कर सकते हैं। तो चलते हैं चैप्टर की तरफ। टेंस जिसका डेफिनेशन अगर हम बात करें तो टेंस इज द स्टडी ऑफ टाइम एंड वर्ब। मतलब कि जो हम टेंस पढ़ते हैं इसमें बस दो ही चीजों का स्टडी है कि टाइम और वर्ब, किस तरीके से टाइम चेंज होता है तो वर्ब हमारा चेंज होता है, और कैसे वर्ब चेंज होता है तो टाइम चेंज होता है। इसके लिए तीन एग्जांपल समझेंगे। आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूं। I was playing, मैं खेल रहा था। I will be playing, मैं खेल रहा होगा। अगर हम डिस्कस करें तो तीनों सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है वो हमारा आई है, जो वर्ब जो है वो भी प्लेइंग, प्लेइंग और प्लेइंग जो कि सिंगुलर है। जो हमने तीनों टेंस में चेंज किया वो हमारा केवल एक्सिलरी वर्ब था, एम जो था वो बदल गया वाज में, और वाज जो था वो बाद में बदल गया विल बी में। तो हमने अगर एक्सिलरी वर्ब को चेंज किया तो पहले में एम था तो ये प्रेजेंट एक्शन को बता रहा है, सेकंड जो वाज का यूज किया गया तो ये पास्ट के एक्शन को शो कर रहा है, और यही अगर थर्ड में विल बी जो कि यूज किया गया तो ये फ्यूचर एक्शन को बता रहा है कि जो कि फ्यूचर में हो सकता है। तो इससे पता चलता है कि हमने वर्ब का चेंजिंग किया, वर्ब का चेंजिंग हुआ तो ये टाइम जो है टाइम का भी चेंजिंग हो गया। तो इसके इजी मेथड से हम कह सकते हैं कि जो टेंस जो है वो हमारा टाइम और वर्ब का स्टडी होता है। अब चलते हैं टेंस के कितने तरीके होते हैं। तो एक छोटा सा चीज समझेंगे कि एक बहुत ही महान इंसान है जिसे हमारी दुनिया आज भी याद करती है, थोड़ा सा फिगर उल्टा पुल्टा हो सकता है, ये हमारे गांधी जी हैं। कौन है? गांधी जी। कहा जाता है कि गांधी जी के तीन बंदर थे। गांधी जी के कितने बंदर? तीन बंदर। पहला जो बंदर जो है वो यहां है, दूसरा बंदर यहां है, और तीसरा बंदर जो है वो हमारा यहां है। ये एक्चुअली में गांधी जी कौन है इसे समझेंगे आप। ये जो गांधी जी जो है वही हमारा टेंस है। मतलब जिस तरीके से गांधी जी हमारे देश के लिए बहुत कुछ किए हैं, बिल्कुल ठीक उसी तरीके से ये टेंस आप लोगों के लिए बहुत कुछ करेगा। तो ये हो गया गांधी जी हमारे टेंस हो गए, और गांधी जी के तीन बंदर यानी कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत सोचो। तो गांधी जी के तीन बंदर यानी कि तीन बेटे हुए, जो कि टेंस का तीन बेटा जो है वो
सबसे पहला हमारा प्रेजेंट, दूसरा जो है वो पास्ट, और तीसरा जो टेंस जो है वो हमारा फ्यूचर टेंस हुआ। तो अगर टेंस की बात करें तो टेंस जो है वो तीन अलग अलग प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, जिसको हिंदी में हम वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल भी कहते हैं। अब ये जो तीनों टेंस जो हैं, इनके चार अलग अलग कैटेगरीज हैं। पहला जो कैटेगरी जो होता है वो इनडेफिनिट होता है, सेकंड जो है वो कॉन्टिन्यूस होता है, थर्ड जो है वो परफेक्ट होता है, और फोर्थ जो है वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है। तो प्रेजेंट के भी चार अलग अलग फॉर्म है, पास्ट के भी यही चार फॉर्म होते हैं, और फ्यूचर के भी चार ये फॉर्म होते हैं। तो तीन टेंस और तीन के चार चार भाग, यानी कि टोटल टेंस अगर पूरी तरीके से बात करें तो ये मिला करके हमारे 12 स्ट्रक्चर्स बनते हैं। ये हमारे 12 स्ट्रक्चर्स बनते हैं। तो चलते हैं सबसे पहले वीडियो की तरफ, कि जो हमारा प्रेजेंट टेंस जो होता है, और प्रेजेंट टेंस में जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है वो क्या होता है, ये वीडियो आप समझेंगे।